तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन के साथ आया हूं जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई टू सेफ्टी वॉल माउंटेड ऑन ड्रम, यानी कि ड्रम के ऊपर दो सेफ्टी वॉल क्यों माउंट किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ड्रम के ऊपर दो सेफ्टी वॉल क्यों माउंट किया जाता है। तो देखिए, यहां पे मैंने एक ड्रम का बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है जिसके टॉप में हमारा दो सेफ्टी वॉल लगा हुआ रहता है, एक हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, दूसरा हमारा राइट साइड में रहता है, और ये हमारा ड्रम एयर वेंट का मैंने दिखा रखा है। और ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, ये क्या हमारा सुपर हीटर है, और ये सुपर हीटर से यहाँ से जो स्टीम निकलता है मेन स्टीम लाइन कहलाता है। तो मेन स्टीम लाइन में भी हमारा एक सेफ्टी वॉल रहता है, ये हमारा स्टार्टर वेंट है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि ये जो हमारा ड्रम है इसके ऊपर दो सेफ्टी वॉल क्यों माउंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी वॉल का जो मेन पर्पस होता है वो क्या है कि एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है। यानी कि अगर हमारा ड्रम के अंदर या हमारा बॉयलर के अंदर, अगर बॉयलर सिस्टम के अंदर पूरा अगर प्रेशर एक्सीड हो जाए, यानी कि वर्किंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो यहां से हमारा ये सेफ्टी वॉल पॉप कर जाएगा जो कि यहां से स्टीम को एटमोस्फियर में रिलीज कर देता है, जिससे हमारा प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो प्रेशर तो हम लोग एक सेफ्टी वाल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहां पे दो सेफ्टी वाल देने का मेन पर्पस क्या है, इसको हम लोग अभी डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, लाइन में सेफ्टी वाल क्यों दिया जाता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा पहले कौन सा सेफ्टी वाल उठना चाहिए, ड्रम का या लाइन का। तो हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हमारा लाइन का सेफ्टी वाल उठना चाहिए, नहीं तो हमारा अगर ड्रम का सेफ्टी वाल पॉप करेगा तो यहां से हमारा स्टीम पूरा क्या हो जाता है, बाहर एटमोस्फियर में स्कीप हो जाता है, जिसके चलते हमारा जो सुपर हीटर है इसमें स्टीम आना बंद हो जाता है। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारा जो सुपर हीटर है ये क्या होता है, हमारा स्टीम कूल्ड वाल होता है, स्टीम कूल्ड ट्यूब होता है, यानी कि इसके अंदर ट्यूब के इनसाइड में हमारा स्टीम रहता है और आउटसाइड में क्या रहता है, हमारा हीट रहता है। तो जो हीट है वो स्टीम क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और डिग्री ऑफ सुपर हीट अपना गेन करते रहता है। यानी कि हमारा जो स्टीम है, प्राइमरी सुपर हीटर हो या सेकेंडरी सुपर हीटर हो, वो क्या करता है, एक तरह से कूलेंट का काम करता है। तो इस ड्रम का जो सेफ्टी वाल्व है इसको कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि किसी भी कंडीशन में हमारा इस सुपर हीटर में स्टीम की डेफिशिएंसी ना हो, यानी कि स्टीम की कमी ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्वेशन। यानी कि अगर हमारा किसी कंडीशन में अगर सुपर हीटर के अंदर स्टीम आना बंद हो जाए, यानी कि स्टीम की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्वेशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा इस ट्यूब के अंदर स्टीम नहीं रहे, यानी कि कूलिंग मीडिया नहीं रहे, क्योंकि ये क्या होता है, स्टीम कूल्ड ट्यूब होता है, अगर इसके अंदर कूलिंग मीडिया नहीं रहे, और हम लोग जानते हैं कि फर्नेस में क्या रहता है, बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर रहता है, तो ये हायर टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आके इसके अंदर कूलिंग मीडिया ना होने की वजह से ये हीट किसको ट्रांसफर करेगा, तो हीटिंग मीडिया नहीं, अगर कूलिंग मीडिया नहीं अवेलेबल रहेगा तो ये जो ट्यूब है ये ओवर हीट होने लगता है और फाइनली ये फेलियर हो जाता है। तो हमारा जो ड्रम का सेफ्टी वाल्व है ये कुछ ऐसा ही डिजाइन किया जाता है कि हमारा कुछ ना कुछ स्टीम इसके अंदर फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि जो हमारा सेफ्टी वाल्व है, यानी कि तीनों सेफ्टी वाल्व का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होता है वो कितना होता है। तो तीनों सेफ्टी वाल्व का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होता है वो होता है हमारा MCR का, यानी कि मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग का कितना होता है, तो 10% होता है। तो मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग का 10% को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक लोड। यानी कि बॉयलर हमारा मैक्सिमम इतना रन कर सकता है पीक लोड में, जब हमारा लोड का बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम बॉयलर को 10% ज्यादा तक चला सकते हैं। जैसे कि MCR यानी मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग, मान लीजिए कि आपका जो बॉयलर है वो 54 TPH का है, यानी कि 54 के लिए डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो इसका पीक लोड कितना हो सकता है, तो इसका 10% यानी कि 10% कितना हो जाएगा, तो 5.4 हो जाएगा, यानी कि 54 का 10% तो 54 प्लस 5.4 हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59.4 TPH। यानी कि तीनों सेफ्टी वाल्व का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, तो 59.4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा लाइन सेफ्टी वाल्व होता है ये कितना के लिए डिजाइन होता है, तो 30% के लिए डिजाइन होता है। तो इसका 30% आप निकालेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 16,200 kg/h, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग इसका बात करें तो ये हमारा दोनों 35% के लिए डिजाइन होता है, ये भी हमारा 35% के लिए डिजाइन होता है। यानी कि अगर हम लोग इसका 35% देखें 59.4 का, तो ये हमारा कितना होता है, 21,000
200 के करीब में आएगा केजी पर आवर, ठीक है, 21,200, इसका भी 21,200, यानी कि जब हमारा ड्रम सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा तो यहां से जो स्टीम है वो कितना निकलेगा, तो 21,200 केजी पर आवर से स्टीम यहां से ब्लो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा सेफ्टी वाल्व है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो लाइन सेफ्टी वाल्व है वो सबसे कम पर सेट किया जाता है, और हमारा जो ड्रम सेफ्टी वाल्व है कोई एक हमारा हायर पे रहता है तो दूसरा हमारा लोअर पे रहता है। तो लोअर पे कौन रहता है, जो हमारा सीवीडी साइड रहता है, यानी कि सीवीडी का जो वाल्व हमारा दिया रहता है ना, मान लीजिए कि अगर हमारा सीवीडी का वाल्व कुछ इधर दिया हुआ है, ठीक है, तो इधर वाला जो सेफ्टी वाल्व होगा वो हम लोग जनरली लोअर पे सेट करते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, अगर इसके बारे में बोलेंगे तो मैं इसके लिए भी डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि हमारा जो कभी भी अगर पॉप करेगा तो सबसे पहले हमारा ये लाइन सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा, ठीक है, उसके बाद अगर ये पॉप नहीं किया तो हमारा ये पॉप करेगा, और ये पॉप नहीं किया तो ये पॉप करेगा, यही कंडीशन होता है ना। तो देखिए यहां पे दो सेफ्टी वाल्व लगाने का मेन पर्पस क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइन जो है, लाइन का जो सेफ्टी वाल्व है वो तो हमारा 30% स्टीम जो है यहां से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, यानी कि लगभग हमारा 16,200 केजी पर आवर से स्टीम यहां से एस्केप होगा। तो अब हमारा स्टीम कितना बचा, तो 70% बचा, यानी कि ड्रम में हमारा जो स्टीम है वो कितना है, अभी 70% है। तो यहां पे सोचने वाली बात है कि ये जो हमारा सेफ्टी वाल्व है दोनों को 50% में बांट दिया गया है, यानी 50-50 कर दिया गया है, यानी कि 70 का 2 कर दिया गया है, यानी 35-35 के करीब में कर दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर यहां पे दोनों को आधा आधा बांटने का मेन पर्पस क्या है, तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि हमारा दोनों में से कोई सेफ्टी वाल्व पॉप करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये, जैसे ये नहीं पॉप किया, ये भी नहीं पॉप किया, इसमें लोअर वाला जो सेट किया गया इसमें भी अगर पॉप नहीं किया, तो हमारा जो सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा वो कौन सा करेगा, हायर सेफ्टी, हायर साइड वाला जो है वो पॉप करेगा। तो यहां से जब स्टीम एस्केप होगा तो कितना होगा, 21,200 रहेगा, 21,200 स्टीम एस्केप करेगा, लेकिन अभी भी आपका जो यहाँ पे 21,200 है वो क्या है, अभी भी ड्रम के अंदर स्टीम अवेलेबल है, अभी भी यहाँ पे 21,200 केजी स्टीम यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो स्टीम है अभी भी हमारा जो सुपर हीटर है इसके अंदर जाते रहेगा। वैसे यहाँ पे ड्रम सेफ्टी वाल्व पॉप करने के बावजूद भी हमारा स्टीम का जो सप्लाई है इस सुपर हीटर में चलते रहता है, जिसकी वजह से हमारा स्टीम का सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा कभी भी फेलियर नहीं होता है। स्टीम की डेफिशिएंसी तो होगा लेकिन हमारा फेलियर उतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच सकते हैं कि ये जो हमारा सेफ्टी वाल्व है, दोनों जो सेफ्टी वाल्व है, कोई बोलता है कि ये हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में रहता है कि अगर ये पॉप नहीं किया तो ये पॉप कर जाता है, तो जब स्टैंड बाई कंडीशन है तो आप जानते हैं कि ये 30% स्टीम यहाँ पे एस्केप कर गया, तो हमारा जो 70% स्टीम अभी भी हमारा ड्रम के अंदर बच रहा है, ठीक है। तो 70% का डिजाइन करना चाहिए कि मान लीजिए कि हमारा ये स्टीम एस्केप नहीं किया, ये सेफ्टी वाल्व पॉप नहीं किया, तो हमारा ये करेगा, तो हमारा 70% स्टीम एस्केप करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, इस 70% को आपका जितना कैपेसिटी का प्लांट होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे छोटा बॉयलर का लिया हूं, अगर ये मान लीजिए 135 या 40 या 500, जितना भी बड़ा अगर बॉयलर होगा तो उसको ये जो 70 है ना उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि हमारा 3 सेफ्टी वाल्व लगा दिया जाता है, 70 को 3 से डिवाइड कर देगा, यानी कि हमारा एक सेफ्टी वाल्व का जो कैपेसिटी है वो कम कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब एक सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टीम एस्केप करेगा, तो स्टीम जैसे भी एस्केप करता है तो हमारा प्रेशर जो है वो कंट्रोल मैनर में हो जाता है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि यहां पे 70% का एक कैपेसिटी का क्यों नहीं दिया जाता है, तो मान लीजिए कि अगर ये सेफ्टी वाल्व हमारा 70% पे डिजाइन हो, ये भी हमारा 70% पे डिजाइन हो, जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जब पॉप करेगा तो कोई लोअर वाला ही पॉप करेगा, अगर मान लीजिए लोअर वाला फंस गया तो हमारा कभी भी करेगा तो हायर वाला करेगा। तो यहां पे अगर ये फंस गया, ये हमारा मान लीजिए पॉप कर रहा है, तो हमको स्टीम यहां से अगर टोटल निकालना हो तो जब मान लीजिए 70% के लिए डिजाइन होगा तो पूरा स्टीम निकल जाएगा, तो इस कंडीशन में तो हमारा कोई चांस ही नहीं है कि इस सुपर हीटर में हमारा स्टीम आए। तो इस कंडीशन में हमारा अगर कोई भी सेफ्टी वाल्व पॉप करता है, अगर इस कैपेसिटी पे लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे फेलियर होने का 110% चांसेस होता है। तो इसी के लिए हम लोग, आप देखे होंगे कि किसी ड्रम में हमारा दो से ज्यादा भी सेफ्टी वाल्व लगा हुआ रहता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी सेफ्टी वाल्व लगा हो सकता है, तो उसको डिजाइन किया जाता है हमारा कैपेसिटी के अनुसार, यानी कि जितना आपका मतलब कि MCR बॉयलर का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मतलब कि ऐसे कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और आप देखे होंगे कि लाइन में भी हमारा 2 सेफ्टी वाल्व लगा दिया जाता है, यानी कि 30% को भी 2 पार्ट में कर देगा, यानी कि 15-15 कर देगा, कि हमारा एक लाइन सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा तो केवल 15% ही स्टीम एस्केप करेगा, बाकी का स्टीम इसके अंदर मतलब कि सर्कुलेट करते रहेगा।
तो यहाँ पे हम लोग का 70% नहीं देने का मेन वजह यही है कि अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं तो टोटल स्टीम निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा स्टीम का 100% डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को पार्ट में कर देते हैं कि कभी भी हमारा स्टीम जो सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा चाहे लोअर या हायर, तो हमारा केवल 35% ही स्टीम एस्केप करेगा। और अगर ये कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 3 सेफ्टी वाल्व दे दिया जाता है, तो 70 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक का जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, मतलब कि लगभग 22 या 23% हो जाएगा। यानी कि जब एक सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा 3 के कंडीशन में, तो लगभग 22% स्टीम को एस्केप करेगा ड्रम से, जिसकी वजह से अभी भी हमारा जो भी रिमेनिंग हुआ यानी कि 44 या 54% जो भी स्टीम रहेगा वो हमारा स्टीम इस ट्यूब के अंदर सर्कुलेट करते रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ट्यूब जो है वो फेलियर होने से बच जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रम पर 2 सेफ्टी वाल्व क्यों लगाया जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।